बहुत खुश। रो क्यों रहे? अल्लाह आपको बहुत दे, आप हमारे लिए फरिश्ता बन गए। मेरा इसका बाबा इतना काम नहीं कर सकता, मजदूरी करता था, इसके चाचू ने और आप हमारे फरिश्ता बनकर आए और आपने हमारा बहुत साथ दिया। मैं रोज जब नमाज पढ़ती हूँ सीधे में जाके आपके लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे के जिसने भी फरिश्ता बनकर है ना, मैं इसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, बहुत कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं नहीं कर सकती थी ये सब आपकी वजह से, अल्लाह ने आपके मेरे लिए भेजा। मेरे पास तो 10 रुपये नहीं थी, मैं अपने बेटे को लेके जाती, बस मैं आपका किस तरह भी शुक्रिया अदा करूं कम है। इस तरह ने आपने हमारी, शायद कोई खुदा के बाद आप ही नहीं, 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 नहीं सर, मेरा बेटा मैं सारा दिन आपके, इसका आप बहुत सादे दिमाग का, वो सबको कहता है डॉक्टर अफान साहब ना तो आज मेरा बेटा ना बचता, लेकिन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी, लेकिन हेल्प आपने की है बहुत है। मैं आपका जी, आप फरिश्ता हो, जो भी लोग आपको ताम करते हैं वो अपने बच्चों से ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मैं आपको रात दिन कह रही हूँ, दुआएँ दे रही हूँ, अल्लाह आपको और दे, हम जैसे गरीबों के आपने ही मदद के, शायद अल्लाह ने आपको किसी फरिश्ते की तरह। मैं लोगों को बचाना चाहती, जो भी के अफान साहब को मदद करें, इनका साथ दें, ये गरीबों का साथ दें, जैसे एक माँ मैं रो रही हूँ वो भी ऐसे। ये कम से कम भी 10 लाख रुपए का खर्चा था। नाउ दिस पेशेंट इज ऑल वेल फिट एंड फाइन और पैसा लगा 0। ये जो बच्चा आप मेरे पास देख रहे हैं अलीम, 22 साल का बच्चा था ये, जब मेरे पास आया इसका केस ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था कि इसका लबलबा सूजा हुआ था और उसकी वजह से इतनी बड़ी इसकी झिल्ली बनी हुई थी पानी की, जिसको ड्रेन होना बड़ा ज़रूरी था। अब ये कम से कम भी 10 लाख रुपए का खर्चा था। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट हेल्प हिम। मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं मुजाहिद साहब गंबट में, आई कॉल्ड हिम और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो प्रोसीजर जो दुनिया में बड़े रेयर होते हैं, मैंने उनसे कहा कि हम इनकी EUS गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी करें, यानी मेदे में वो पानी निकाल दें। इन्होंने हॉट एक्सियो स्टंट यानी लैम्स डिप्लॉय किया, मुतद्दिद बार इसका प्रोसीजर हुआ, इतना इसका पेट फूला हुआ था और वो स्टंट डल गए जो EUS के जरिए। नाउ दिस पेशेंट इज ऑल वेल फिट एंड फाइन और पैसा लगा 0। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बेहतर हो गए जी? है जी। खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मामा ने मुझे वहां से एक टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ा था, बहुत दुआओं वाला है, वो मेरे तक पहुंच गया था। आपने छोड़ा? जी, खुश हो आप? बहुत खुश। अल्लाह की बहुत खुश। रो क्यों रहे? अल्लाह आपको बहुत दे, आप हमारे लिए फरिश्ता बन गए। मेरा इसका बाबा इतना काम नहीं कर सकता, मजदूरी करता था, इसके चाचू ने और आप हमारे फरिश्ता बनकर आए और आपने हमारा बहुत साथ दिया। मैं रोज जब नमाज पढ़ती हूँ सीधे में जाके आपके लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे के जिसने भी फरिश्ता बन कर है ना, मैं इसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, बहुत कैसे शुक्रिया अदा करूँ। नहीं, आपका शुक्रिया। और मैं फरिश्ता नहीं बनता है, अल्लाह वसीले बनाता है। और इसमें मैं सीन गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना महंगा प्रोसीजर था और जो उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी ये सब आपकी वजह से, अल्लाह ने आपके मेरे लिए भेजा। मेरे पास तो 10 रुपये नहीं थी, मैं अपने बेटे को लेके जाती, ये खर्चा इसके चाचू ने किया और आपके हेल्प की वजह से वह सब कुछ मेरे पास। और कुछ अभी मैं आई हूँ ना उधर से बावलपुर से, इसके चाचू ने पैसे दिए, मैं इधर पहुँची हूँ, बस मैं आपका किस तरह भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और मुजाहिद साहब का, उसने बहुत हमारी हेल्प की, बहुत की, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये मेरे प्रोफेसर साहब थे, मैं आपको उनकी तस्वीर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अल्टीमेटली तो मैं डॉक्टर वहाब डोगर और हम टीम इकट्ठे काम कर रहे हैं, मेदा एडवांस्ड मेदा व जिगर टावर, फिर शायदा इस्लाम लोधरा में हमारा लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट, वहाँ डॉक्टर गफ़ार, और फिर गंबट में हम शायदा इस्लाम में मैं भी, तो हम ओवरऑल एक ही चेन है। तो वहाँ फिर मुजाहिद साहब जो मेदे जिगर के साथ स्पेशलिस्ट हैं और EUS वगैरह करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं ERCP जो जिगर की नालियों में, वो हम एडवांस लेवल पर कर रहे हैं लिवर टावर में और शायदा इस्लाम में भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट शायदा इस्लाम में हो जाती है। यहाँ हम जाहिर है प्राइवेट सेटअप है, वी ट्राई टू कम कॉस्ट को हम लोअर डाउन करें। EUS के लिए आई एम हेडिंग टूवर्ड समथिंग, वो भी मैं एक बड़ी न्यूज़ लाने लगा हूँ जल्दी, कि वो प्रोसीजर तो मैं गंबट भी नहीं, वो हम इधर ही कर लिया करेंगे, तो हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मैं लोगों को ये वीडियो ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ी चीज़ें सफ़र करता हूँ। जब मैंने ये जनूबी पंजाब में चीज़ शुरू की ना, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको समझें, जब मैंने शुरू की ये बातें, मैं कैमरे पे ना बहुत सारे लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने ये चीज़ें यहाँ शुरू की ना, मेदा जिगर टावर लेके आए, यहाँ ट्रांसप्लांट की वैल्यूएशन हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एंडोस्कोपियाँ, ERCPs सब कुछ, जिगर कैंसर जलाना है, सर्विसेज लेकर आए। तो जैसे लोग छोटे शहरों में करते हैं ना, जब भी कोई चीज़ शुरू होने लगे
तो कोई छोटे मोटे लोग तंग करना शुरू कर देते हैं, पैसों के रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। मुझे भी तंग किया गया। दिस वॉज एन ऑप्शन फॉर मी कि मेरे पास लाहौर से बहुत अच्छी ऑफर थी कि मैं मिनट ना लगाता और मैं मुल्तान को छोड़ के चला जाता, यहाँ ना होता मैं इस्लामाबाद चला जाता, कराची चला जाता, मेरे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं ढीठ बन के यहाँ मैंने किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ें सेटअप कर दी। तो ये जो इस माँ के आंसू है ना, ये इस बात का जवाब है उन तमाम नेगेटिव फोर्सेस के लिए। जो बताऊंगी, मेरा बेटा नहीं, आप फरिश्ता हो। जो भी लोग आपको तंग करते हैं वो अपने बच्चों से जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये आपकी वजह से, बहुत कम लोग हैं ऐसे, मैं बताऊं 99-100% लोग सपोर्ट ही करते हैं। नहीं, आपने हमारी हेल्प बहुत की है। फर्स्ट टाइम हम उधर BWP इंडिया, किसी को समझ नहीं आ रही थी रिपोर्ट की, सब कह रहे थे गंबट, जहाँ तक गंबट का सुना था भाई यहाँ तो नंबर नहीं लगता इतना जल्दी और बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है, आना जाना भी बर्दाश्त नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। जाहिर बात है जो जाता है उसके जेब में 30-35 हज़ार तो लाजमी हो। तो मेरे ख्याल से मैंने जिस दिन फ़ोन किया आपका अगले दिन जाते ही हो गया था। नहीं, जिस दिन आपने लिख दिया था ना उस दिन हो गया था। बस हम गए थे, एहसान को मिले थे, फिर मुजाहिद साहब आए थे, उन्होंने चेक किया था उसी दिन 11 बजे, चेक किया था 1 बजे स्टैंड। आप इमेजिन करें, मेरे पास पीर वाले दिन थे और बुध वाले दिन मुझे प्रोफेसर साहब के मैसेज आ गया कि इसको 10 लाख का स्टंट डाल दिया हमने, मतलब लाखों रुपए का स्टंट फ्री डाल दिया और इसका वो पानी सारा ड्रेन हो गया, इसका लबलबा बच गया। अब ये मेरे पास फॉलो अप पे, अब इसको कोई मसला नहीं है, ही विल गो ऑल वेल फिट एंड फाइन। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कीप डूइंग योर गुड वर्क विद गुड पीपल इन योर लाइफ। ये मैं कोई इनकी पब्लिसिटी, ये वीडियो आपकी इजाजत से बन रही है ना? हाँ, मेरी इजाजत से। मैं लोगों को बचाना चाहती, जो भी के अफान साहब को मदद करें, इनका साथ दें, ये गरीबों का साथ दें। जैसे एक मामा रो रही, वो भी ऐसे नहीं। मुझे मुझे ना मदद से ज्यादा ना दुआओं की जरूरत होती है। मुझे लिटरली, मैं कभी भी लोगों को कहता हूँ मुझे डोनेशन ना दे, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मैं उसमें से कर देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूँ कि बी विद गुड पीपल। आप अपना अच्छा काम करते रहें, दुनिया में हमेशा अच्छे काम की कदर की जाएगी। आप स्टे फोकस्ड रहें। ये तमाम वो डॉक्टर जो कहते हैं मुल्क से बाहर भाग जाएं, हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, आप इस माँ के आंसू देखें। मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ, मुल्तान से चला जाऊँ, सिर्फ इसलिए चला जाऊँ कि जो लोग कुछ माफिया बैठे हैं जो तंग करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, अभी आप चले जाएँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, टाउट छोड़े हुए होते हैं। मतलब 1500 फीस है तो उसमें 700-800 रुपया टाउट का, 700-800 डॉक्टर का, गायनी वाला मरीज मेडिसिन का डॉक्टर देख रहा है बैठा, ये भी हो रहा है। तो अगर हम जैसे लोग इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे या माफिया आउट करने की कोशिश करेगा ना, आपको इन माओं के आंसू खा जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल कीप डूइंग ग्रेट वर्क, वी विल कीप सपोर्टिंग पीपल। मैंने आज भी बाहर लिख के लगाया, मैं लिख के लगाया है ना कि जिसके पास पैसे नहीं है वो अंदर आके बताए पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री हो, कास्ट है, फ्री है, लिखा हुआ है बाहर, लिखा हुआ है ना जी, लिखा हुआ है। मैं अनपढ़ लेकिन पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, हमें पढ़ लेते हैं तो हमें वो पढ़ा आपके पैनाफ्लेक्स पे। खास तौर पे शुक्रिया जिस तरह ने आपने हमारी, शायद कोई खुदा के बाद आप ही हूँ। नहीं सर, मेरा बेटा, मैं सारा दिन आपके, इसका आप बहुत सादे दिमाग का, वो सबको कहता है डॉक्टर अफान साहब ना होते तो आज मेरा बेटा ना बचता, लेकिन जिंदगी तो अल्लाह ने दी, लेकिन हेल्प आपने की है, बहुत हेल्प, मैं आपका जिस तरह भी शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, हेल्प पीपल, दे विल हेल्प यू। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि यू एडवर्टाइज दिस वे, यू एडवर्टाइज, डू नॉट एडवर्टाइज दिस वे, एडवर्टाइज योर गुड वर्क, अल्लाह विल हेल्प यू वन डे और दी अदर, अल्लाह पाक विल हेल्प यू वन डे और दी अदर, अदर वे राउंड। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं थका सकती और हरा सकती अगर आप फोकस रहें। ये मैं वीडियो सिर्फ इस बच्चे के ठीक होने पे, कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं बना रहा, मैं उन तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप अपना अच्छा काम करते रहें, लोगों की जानें बचाते रहें, लोगों को कोई IT में काम कर रहा है वो IT सेक्टर में सपोर्ट करे, कोई टीचर है, इसातिज़ा है। अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हुआ, लोग बच्चियों की जिंदगियों से खेलने लग गए, नेगेटिवली हाइप देने लग गए। खुदारा मनफी फोर्सेस को दूर करके मुसबत काम करते जाएं, देखें खुदा मदद कैसे करता है, अल्लाह आता कहाँ से, अल्लाह पाक वहां से मदद करेंगे जहां से दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और ये खुदाई सिलसिले हैं, ये आपको समझ नहीं आएंगे, जो मनफी फोर्सेस हैं दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस कि हाउ अल्लाह पाक हेल्प यू। मैंने अल्लाह से कमेटी डाली हुई है, ये मैंने अपने ना इधर पैसे रखे होते हैं जो मैं मरीजों को ना वापस, आज के सारे दिए बैठा हूँ मैं, जो मैं मरीजों को यहाँ से वापस कर देता हूँ, जो पुअर नॉन अफोर्डिंग हो या कुछ भी,
याद रखें, प्राइवेट सेक्टर में कहता हूँ ना, मुझे डोनेशन नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा रॉबिनहुड फार्मूला, जो अफोर्ड करता है, अफोर्डिंग क्लास आती है मेरे पास, जो खा खा के जिनको फैटी लिवर हुए हुए हैं, जाहिर है दे हैव मनी टू गिव टू डॉक्टर, वो मुझे देते हैं, उनमें से मैं इन गरीबों की भी मदद कर देता हूँ। दिस इज हाउ माई फार्मूला वर्क्स। मुझे लोग लाखों डोनेशंस का कहते हैं, कुछ दे भी देते हैं, वो फिर उसी डोनेशन फंड में जाती है, लेकिन जो असल कमेटी है मैंने खुद अल्लाह के साथ डाली हुई है। प्लीज़ इस फार्मूले को समझें, इस माँ के आंसू देखें, द वे ही इज हेल्प। अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब आपके बच्चे को कोई मसला नहीं होगा, होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप ये ना बस ध्यान लिख दें कि मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, उसके बाद से मेरी अम्मी की तबीयत बेहतर हुई है, वरना मेरी अम्मी को नींद भी नहीं आती थी, परेशानी की हालत में हम सब बहुत परेशान थे फैमिली। फिर मैंने आपका वॉइस मैसेज अपने चाचू को सेंड किया, उन्होंने आपसे रब्ता भी किया था मेरे ख्याल में, फिर उसके बाद अम्मी कुछ बेहतर हैं, मैं भी कुछ अब ठीक हो ना, ठीक है। मैं आपको रात दिन कह रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ, अल्लाह आपको और दे, हम जैसे गरीबों के आपने ही मदद के, शायद अल्लाह ने आपको किसी फरिश्ते की तरह भेजे थे, तो किसी डॉक्टर को समझ नहीं आती थी, वो कह रहे थे भाई गंबट जाना मुश्किल है, आप छोड़ो, हमने आपको सारा कर दिया ना। जी बिल्कुल, हम आपके पास आए थे, सोच मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं 2 साल पहले की, वो आरिफ वाला वाक्य आपको याद होगा, और मोटरवे वाला, उससे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप, फिर मुझे पता था, फिर अच्छा, सब ने मशवरा दिया था कि भाई डॉक्टर साहब के पास जाओ। ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये आपको ना मैं ऑफ कैमरा बताता हूँ कि इसको ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसकी राज की बीमारी है ना, वो हम कैमरे पे नहीं बताते। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना ये अवेयरनेस और आगाही वीडियोस क्यों, वो कह रहे हैं मैं इतने लोगों के पास गया, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया जो आपने दिखाया, और मेरा पानी निकलवा दिया, इसलिए क्योंकि अब जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता है कि उन्होंने किस रूट पे जाके अपना इलाज कराना है, या हेल्प लेनी है, या ट्रांसप्लांट कराना है, या कैंसर जलवाना है, या फाइब्रॉइड जलाना है, या मेदे जिगर का कोई भी मसला है, उन्होंने जिगर टावर मुल्तान एडवांस आना है, तो किस तरह उनकी हेल्प हो जाएगी। दिस इज द कॉज ऑफ दिस वीडियो। मैं हिजानी माई का केस बार बार ये लोगों को दिखाता हूँ, तस्वीर देखे मेरी एडिटर ने लगाई है, जिगर को जिगर दे दिया, 3 बंदे इस शोहर के भाई जो थे ना, इसके शोहर के, वो मर चुके थे, उन्हें ट्रांसप्लांट का पता ही नहीं था। तो इन अवेयरनेस वीडियोस का फायदा ये होता है, इनको पता लगता है लोगों को, ये पिंडों देहातों में उन्हें नहीं कोई बताने जाएगा कि फलानी जगह ये इलाज मुमकिन है, बट दिस डिजिटल मीडिया, दिस सोशल मीडिया टेल्स देम, बजाय इसके कि इस पर नंगी वीडियोज डालें या कोई और नेगेटिव काम करें, आप लोगों को बताएं कि पॉजिटिविटी कहाँ हो रही है, कौन सा इलाज कहाँ अवेलेबल है, किस तरह आप ठीक हो सकते हैं। हो सकता है मेरी वीडियो देख के कोई सिगरेट पीना छोड़ दे, हो सकता है किसी का जिगर सुकड़ा, उसको ट्रांसप्लांट के आगे समझ लग जाए, माइंड ना बन रहा हो, उसे डोनर मिल जाए, हेपेटाइटिस बी सी की जाके स्क्रीनिंग कराए, कोई हमला खातून अपनी फाइब्रॉइड किसी छोटे मोटे से निकलवाने लगी थी, उसे पता लगे जल जाएगी तो मेरा बांझपन खत्म हो जाएगा। ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह से कमेटी डाली रखें, देखें दुनिया कैसे बदलती है। थैंक यू वेरी मच।